अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से आपको आगाह करेंगे। पंजाब हुकूमत 23 दिसंबर से सर्दी की छुट्टियां देने पर रजामंद हो गई है। हुकूमत का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन पीर को पेश कर दिया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि इस इकदाम से ट्रैफिक और स्मोग में भी कमी होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ, 23 दिसंबर से सर्दी की छुट्टियां देने पर रजामंद हुई है पंजाब हुकूमत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 23 दिसंबर से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तफसीलात देने पर आमादगी जाहिर किया और इस हवाले से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी पेश किया और जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक के तदारक के मुतल केस की समाअत हुई तो अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि स्मोक के तदारक के हवाले से जो अदालत की ऑब्जर्वेशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए 23 दिसंबर से तलीमी इदारों में छुट्टियां करने का फैसला किया गया है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि 23 दिसंबर से छुट्टियां करने के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। आज जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज के अलावा जुडिशियल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के फोकल पर्सन और दीगर नुमाइंदे जो वो भी अदालत में मौजूद थे। इंतहाई मुख्तसर समाअत हुई है जिसमें हुकूमत ने अदालत को 23 दिसंबर से छुट्टियां करने के हवाले से रिपोर्ट पेश की है और अदालत ने इस केस की मजीद समाअत 23 पीर के लिए मुलतवी की है। जी पीर के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका।